कृषि जींसों और मेटल के बाद अब एनर्जी मार्केट में भी गिरावट शुरू हो गई है। मार्च से अब तक कच्चे तेल करीब 20% सस्ता होकर $100 के आसपास आ गया है। इससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, बल्कि विमान यात्रा से लेकर पेंट, कपड़े और सीमेंट तक सब सस्ते हो सकते हैं। चीन के बड़े इलाके में कोविड के नए वेरियंट का संक्रमण फैलने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से क्रूड की मांग कमजोर पड़ने की आशंका के चलते ये गिरावट आ रही है। वहीं बता दें कि क्रूड के भाव गिरने से 6 सेक्टरों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं बता दें विमान इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है। विमान कंपनियों को सबसे ज़्यादा खर्च विमान ईंधन ATF पर करना होता है। 2022 की शुरुआत से अब तक इसकी कीमत ₹72,000 से 71% बढ़कर 1.23 लाख रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। क्रूड के भाव घटने से ATF के दाम घट सकते हैं। वहीं पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट की मैन्युफैक्चरिंग में 300 से ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इसमें ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। कच्चे तेल के दाम कम होने से पेंट कंपनियों के लिए कच्चे माल की लागत कम हो सकती है, इससे कीमत घटेगी और मांग बढ़ेगी। वहीं तीसरे नंबर पे आता है पेट्रोकेमिकल्स। क्रूड के दाम 50% घटने से कच्चे माल पर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के खर्च में करीब 50% गिरावट आती है। इसका मतलब है कि बीते 3 महीने में इंडस्ट्री की इनपुट लागत 20% कम हो गई है। वहीं चौथे नंबर पर टेक्सटाइल है। सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फाइबर, यार्न और फैब्रिक जैसे कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये सभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट हैं। क्रूड के दाम कम होने से इनकी कीमत भी कम हो जाएगी। वहीं बता दें कि अगला जो सेक्टर है वो है टायर इंडस्ट्री। टायर इंडस्ट्री की बात करें तो टायर की करीब 60% प्रोडक्शन लागत क्रूड ऑयल से जुड़ी होती है। इस हिसाब से क्रूड सस्ता होने पर इस इंडस्ट्री की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे टायर के दाम कम होंगे और मांग बढ़ेगी। वहीं अगला है सीमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री का 60% बिजनेस क्रूड ऑयल की कीमतों से जुड़ा होता है, यानी क्रूड के दाम घटने से इस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।